एक ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले कहा था, मेरी पार्टी ने पहले कहा था कि जिस तरह से भाजपा मास्टर प्लान में बदलाव ला करके एक नाटक रच रही है, इस नाटक का फायदा तो छोड़िए, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो आज हो गया। हमने पहले कहा था कि बगैर अध्यादेश लाए व्यापारियों को कोई भी राहत नहीं मिल सकती, ना तो सीलिंग से, ना कन्वर्जन चार्जेस की वसूली से। भाजपा ने ये जग जाहिर कर दिया कि उनकी मंशा व्यापारियों को आतंकित करने की थी और है और रहेगी। आज के तारीख में भाजपा के पास डीटीए है, एमसीडी है, यूडी मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसा प्रयास भाजपा ने किया जो कि देखने को तो लग रहा था कि ट्रेडर्स के हित में कर रही है, लेकिन यह आशंका हमने पहले जताई थी और आज भी यही मांग करते हैं कि भाजपा अध्यादेश, एक पेज का अध्यादेश आएगा, मैं ड्राफ्ट करने को तैयार हूं, अगर उनको उनसे ड्राफ्ट नहीं होता तो एक पेज के अध्यादेश के बाद पूरे दिल्ली के अंदर ट्रेडर्स को राहत तुरंत मिल जाएगी।